जापान, यूएसए, क्या ये रिसेशन में है? क्या ये रिसेशन वर्ल्ड मेगा रिसेशन हो जाएगा जैसे 2008 में लीमन ब्रदर क्राइसिस और सब प्राइम क्राइसिस हुआ था? क्या भारत देश ये रिसेशन से बच पाएगा, इनके स्टॉक मार्केट रिकवर कर पाएंगे, जानते हैं ये वीडियो में। और पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई 5 अगस्त 2024 को तहलका मच गया। जापानीज स्टॉक मार्केट इंडेक्स निक्काई 225 12.4% से गिरा एक ही दिन में, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रैशेस एवर। और वही टाइम पे यूएस का स्टॉक मार्केट इंडेक्स S&P 500 स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 3% से गिरा। स्विट्जरलैंड जर्मनी के स्टॉक मार्केट्स भी डिस्टर्ब हुए। इंडिया का भाई साहब निफ्टी भी गिर गया, वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉल्स, रिकवर हो गया, लेकिन ये क्यों गिरा अंडरस्टैंड करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करना मेरे तरफ से आप सभी को, जय श्री राम, जय जिनेंद्र। मैं हूं आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटर वशिष्ठ। अंडरस्टैंड करते हैं पहले कि यूएस क्या कर रहा है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज, शायद वर्ल्ड लीडर है यूएस। 1.75% फेडरल रेट था, और जैसे ही वर्ल्ड में क्राइसिस आया कोविड का 2020 के आसपास, यूएसए को अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने रेट्स और कम कर दिए। उन्होंने रेट्स क्यों कम किए? रेट्स कर दिया 0.25% को। फरवरी 2020 में 1.75% था, मार्च 2020 में जैसे कोविड अनाउंस होता है लोग डर जाते हैं कि भाई जॉब्स जाएंगे, बिजनेस इसको सर्वाइव नहीं करेगा, लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। यूएस फेडरल रेट ने रेट कट कर दिया, और रेट कितना रखा भाई साहब? रेट रखा 0.25%, रखा सिर्फ 0.25%, यानी ऑलमोस्ट फ्री मनी मिल रहा था। यही फ्री मनी बड़े बड़े बैंक्स ले रहे थे और इन्वेस्ट कर रहे थे। तो जब आपको फ्री मनी मिलता है तो आप सर्वाइव कर लेते हो। और मार्च 2022 तक सिलसिला ऐसे ही था, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। फ्री मनी का इंटेंशन था कि मिडिल क्लास को, गरीब लोग को हेल्प मिले, लेकिन इसका अब्यूज हुआ। और अब्यूज ऐसे हुआ कि बड़े बड़े कंपनीज ने फ्री मनी लेके रिस्की डील किया। स्विगी, जोमैटो में पैसा डाला, बायजूस में पैसा डाला कि फ्री का पैसा है, रिस्क रिस्क रिस्क। और इसके कारण एक बबल बहन गया कि फ्री मनी हो रहा है, फंडिंग हो रहा है, ये पैसे जो गवर्नमेंट ऐसे ही छाप रहा था। यूएसए ने एक साल में इतना पैसा छापा जितना उसने 10 साल में भी नहीं छापा था। इमेजिन करो, एक साल में इतना करेंसी छाप के बैंक्स को फ्री में दिया, तो वो पैसे का शायद मिसयूज हुआ। और उसके कारण जब बहुत सारा करेंसी मार्केट में आता है तो आता है इन्फ्लेशन, कि भाई ज्यादा पैसा है तो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए, ज्यादा पैसा है तो गोल्ड के रेट्स बढ़ गए, हर जगह रेट बढ़ रहे थे। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने एक ही चीज किया, रेट्स बढ़ाए। हर 3 महीने 6 महीने में रेट्स बढ़ाए, कभी आधा टक्का 50 बेसिस पॉइंट्स कहते हैं, कभी 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% रेट्स बढ़ाए। और इतना रेट्स बढ़ाए कि आज के तारीख में जुलाई अगस्त 2024 में आसपास रेट है 5.5%। ये यूएस के इतिहास में बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट रेट है, 5.5% शायद उन्होंने कभी देखा था। यानी महंगाई आ गया, इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए लोन्स महंगे हो गए, होम लोन्स महंगे हो गए, बिजनेस लोन्स महंगे हो गए। अब ये है यूएस की हालत, और ये हालत को हम थोड़ा और कोरिलेट करते हैं लेकिन जापान को समझते हैं। भाई जापान एक बहुत सुंदर देश है, कल्चर बहुत है, और जापानीज पॉपुलेशन देखो तो वहां पे लोग किड्स नहीं कर रहे, इनफैक्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन। अब एजिंग पॉपुलेशन का मतलब बहुत सारे बुढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, और अंडरस्टैंड करते हैं कि जापान में सेविंग्स का कल्चर ज्यादा है। अब बेचारे बुढ़े लोगों की लाइफ सेट है, प्रॉपर्टी है, सेविंग्स है, तो वो स्पेंड नहीं करते। और कोई भी इकोनॉमी को स्पेंड करने के लिए दो चीज चाहिए, क्रेडिट और कंजम्पशन। जी हाँ, क्रेडिट और कंजम्पशन, कि आप लोन लो, लोन से और घर लो, और बिल्डिंग्स लो, और कंपनीज में इन्वेस्ट करो, फैक्ट्रीज डालो, क्रेडिट और कंजम्पशन रहेगा तो इकोनॉमी बूस्ट में रहेगी। लेकिन ओल्ड पीपल इन जापान से सेविंग्स करेंगे, और इसलिए जापान ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया था। और ध्यान से सुनना, 2000 के स्टार्टिंग में जापानीज ने इंटरेस्ट रेट को 0% नहीं, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखा था। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? -0.1%। ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है बाबू, उसका मतलब क्या? बहुत सिंपल मतलब है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का, मतलब कि अगर आप बैंक में पैसे डालेंगे 100 रुपया, तो एक साल के बाद वो 100 रुपया होगा 99.9 रुपीज, यानी आपको सेविंग्स नहीं मिलेगा, आपको डिफ्लेशन होगा, आपके पैसे की वैल्यू कम होगी, क्योंकि यहाँ पे लोग स्पेंड नहीं कर रहे। गवर्नमेंट का एक ही इंटेंशन था, पैसे बैंक में मत रखो, घर पे मत
मत रखो, यानी जापानीज येन को वो चाहते थे कि लोग सेव नहीं करें, उड़ाए, कंज्यूम करें, इन्वेस्ट करें, और नेगेटिव इन्फ्लेशन था। लेकिन हर स्टेप पे होशियार लोग अलग अलग चीज करते हैं, और यहाँ पे आ गया आर्बिट्राज। और आर्बिट्राज से लोग बहुत खुश थे, मालूम है क्यों? बाहर के कंपनीज को मौका मिला कि यहाँ से जापान से पैसे उठाते हैं, जापान से पैसे उठाते हैं, जापान में इन्वेस्ट करते हैं, बाहर इन्वेस्ट करते हैं, फ्री मनी है, इनफैक्ट पैसे उठाकर हमें फायदा हो रहा है। तो यूएस कंपनीज ने, बड़े बड़े कंपनीज ने, वर्ल्ड कंपनीज ने और जापानीज कंपनीज ने भी पैसे उठाना चालू कर दिया। भाई -0.1% पे लोन मिल रहा है, फ्री मनी, क्या मनी बोरो करने का इंसेंटिव मिल रहा है, और वो पैसे कहाँ पे लगाए? जापान में फैक्ट्रीज डाले। बाहर के कंपनीज ने जापान में इन्वेस्ट किया, बाहर भी इन्वेस्ट किया, और ये करने के कारण लोगों को फायदा हुआ। तो जापान का जो स्ट्रैटेजी था वो काम आया। अब कहानी में ट्विस्ट समझते हैं। जापान हमेशा एक पॉलिसी रखता था कि हम हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के कितना इंटरेस्ट रेट रखना है उसको हम फ्री ही रखेंगे, कंट्रोल कभी नहीं करेंगे। तो कोविड आता है तभी भी जापान -0.1% रखता है, कोविड खत्म होता है, इन्फ्लेशन आता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में फ्री मनी था, महंगाई आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, तो यूएस ने क्या किया भाई, 1.75% रेट को कम करके बाद में 5.5 कर दिया। लेकिन जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट उतना ही रखा, जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट उतना ही रखा। 2022 में भी -0.1% था। अब इमेजिन करो आप यूएस में बैठे हो, आपके मुंह में पानी आ गया भाई, यहां पे इंटरेस्ट रेट अब 4-5% है, जापान में इंटरेस्ट रेट अभी भी -0.1% है, लोगों ने पागलों जैसे जापान से बोरो करना चालू किया। और जब जापान में भी नोट प्रिंट होने लग गया, जापानीज करेंसी येन डीवैल्यू हो गया, उसका 40% डीवैल्यूएशन हो गया, वैल्यूएशन गिर गया, यानी जो $1 से आप 110 येन ले सकते थे, ये पीरियड में 2022 के आसपास, 23 के आसपास $1 के सामने 157 येन ले सकते थे, यानी 40% वैल्यूएशन कम हो गया। लेकिन ये बैड न्यूज नहीं है, जब भी आपका करेंसी डीवैल्यूएट होता है, यानी $1 से आपको ज्यादा करेंसी मिलता है, आपका करेंसी कम होता है, एक्सपोर्टर्स को चाहिए होता है, और जो फॉरेन कंपनीज बाय करते हैं उनको भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो 100 येन लेते हैं तो 110 येन लेते हैं तो $1 देना है, रीपे जब वो $1 वापस रीपे करेंगे तो 110 येन नहीं, उनको 157 येन मिल रहा है, यानी लोन्स बिकम इवन मोर अट्रैक्टिव। और एक्सपोर्टर्स को तो फायदा ही फायदा है, क्यों? क्योंकि जब उनका येन कम हो रहा है, कार का कीमत है 1,00,000 येन, लेकिन जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो पहले था उसका कीमत फॉर एग्जाम्पल $2,000, अब उसका कीमत हो गया $1,800, करेंसी डीवैल्यू हो रहा है, इसके कारण एक्सपोर्टर्स की चांदी लग गई। और ये कारण था कि अब कोविड के बाद जब पूरे दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे, जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट सिमिलर ही रखा, -0.1% ही रखा, पागलों जैसे लोगों ने जापान से और बोरो किया, जापान में और इन्वेस्ट किया, जापान के एक्सपोर्टर्स, गाड़ी के एक्सपोर्टर्स, सोनी, ये सब के एक्सपोर्ट्स बूम हो गए। नतीजा निक्काई इंडेक्स 75% 2 साल में बढ़ गया। भाई साहब 75%, ऐसा कौन सा एसेट है जो आपको 75% रिटर्न से 2 साल में देता है? तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग था कि जापानीज का कल्चर है, वहाँ पे वो सेविंग करते थे, उन्हें कंजम्पशन कराने के लिए, बाहर के लोगों को इन्वेस्ट कराने के लिए, लोन्स लेने के लिए जापान ने कम इंटरेस्ट रेट रखा। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। मार्च 2024 में जापानीज के गवर्नमेंट और फाइनेंशियल लोगों को भी स्ट्रेस आ गया कि बहुत लोन छाप रहे, थोड़ा इसे कंट्रोल करते, और उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट फर्स्ट टाइम मार्च 2024 में नेगेटिव से पॉजिटिव किया, -0.1% को 0.1% किया। तब तक मार्केट ने डाइजेस्ट कर दिया कि ठीक बात है, अभी भी फ्री मनी है, लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक को उन्होंने अनाउंस किया कि अब हम ये इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाएंगे, और ये जो इंटरेस्ट रेट है अब इसको हम 0.25% करेंगे। बस बाबू मोशाय, अब जितने भी कंपनीज ने यहाँ पे लोन लिया उनको पसीना आने लग गया कि अब जापान डर नहीं रहा है। यही टाइम पे यूएस में बैड न्यूज आ गया, सभी कंपनीज के रिपोर्ट्स कमजोर आ रहे थे, जो मेगा वैल्यूएशन होके कंपनीज थे उनके भी वैल्यूएशन कम हो रहे थे, और सबसे बड़ा झटका बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया 3.8% से, यानी एक्सपेक्टेड था कि 5 मिलियन लोग बेरोजगार थे, लेकिन लेटेस्ट डेटा आया कि 70 लाख लोगों के पास नौकरी नहीं है, वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स पे जी रहे हैं। यानी यूएस भी डगमगा रहा था और यूएस को और टेंशन था। क्या टेंशन था? यूएस ने अनाउंस कर दिया कि अब हम हाई रेट नहीं रख पाएंगे, लोगों को राहत देने के लिए हम रेट कट कर रहे हैं, यानी 5.5% को हम 5% कर रहे हैं।
यानी डबल बाजू से उन्हें तकलीफ हो गई। यूएस का रेट कम हो रहा है, जापान का रेट बढ़ रहा है, बीच में जितने भी इन्वेस्टर्स थे अब उनके पसीने छूट रहे थे कि हम जो मलाई खा रहे थे अब ये मलाई नहीं मिलेगा, चलो जापान में प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। और लोगों ने जापान के इंडेक्स में सेलिंग करना, मैस सेलिंग करना चालू कर दिया। और जब भी सिर्फ सेल 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 करते हो और बायर्स कोई रहता नहीं है, मार्केट क्रैश होता है, और इसके लिए मार्केट क्रैश हुआ। अब यूएसए को आप देखो, उसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू है। डोनाल्ड ट्रंप आएगा कि जो बाइडेन आएगा, कि जो बाइडेन को हटा के कमला हैरिस आएगी, किसको पता नहीं है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी हिली हुई है कि भाई इजराइल का वॉर खत्म नहीं हो रहा, रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं हो रहा, मसला सॉल्व नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ये अनसर्टेनिटी है। इसलिए 5 अगस्त को जब सेलिंग हुआ तो मार्केट क्रैश हुए, लेकिन फॉर्चुनेटली निकाई ने भी वो जो क्रैश हुआ 12% से ज्यादा 10.5% रिकवर कर दिया। इंडिया ने भी रिकवर कर दिया। और अंडरस्टैंड करते हैं, 2008 का क्राइसिस में फ्रॉड था, एक रियल एस्टेट का बबल प्राइसिंग था, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स है, अभी भी यहाँ पे ग्रोथ है, तो इंडिया रिसेशन में नहीं है। यूएस लगता है हल्का रिसेशन में जाएगा, लेकिन शायद रिबाउंड कर सकता है। जापान ने तो रिबाउंड कर लिया, तो मुझे लगता है आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया के फंडामेंटल स्टोरी पे जरूर मानिए, कंपनीज को ब्लाइंडली सपोर्ट मत करिए, उनके बारे में रिसर्च करिए, अच्छे कंपनीज अच्छे अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करते रहिए। और ये वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका नॉलेज बढ़ा रहेगा कि जापान और यूएसए में क्या हुआ जिसके कारण एक दिन में पूरी दुनिया की नींद उड़ गई। और ऐसे ही अपने आप को नॉलेज अपडेट करने के लिए फाइनेंस के बारे में, लीडरशिप के बारे में और बिजनेस ग्रोथ के बारे में बसेश गालो को फॉलो करते रहना। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।